दिल्ली में रविवार को तापमान ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। आमतौर पर पिछले दिनों न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री के आसपास बना हुआ था। शनिवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन रविवार को इसमें 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 44 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। तापमान में बढ़ोतरी के साथ जहां दिन में लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ी, वहीं शाम और रात को भी गर्मी से हाल बेहाल ही रहा। इस हफ्ते के पहले दिन सोमवार को भी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सोमवार को जहां न्यूनतम तापमान 32 से 33 डिग्री के आसपास रहेगा, वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। हालांकि बढ़ते तापमान के साथ साथ दिल्ली और NCR में बादलों की आवाजाही भी जारी है। धूप छाव का खेल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके चलते गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून से राजधानी में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के वेदर चार्ट के मुताबिक 15 जून यानी बुधवार से राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने की उम्मीद है, जिसमें कि बादल छाए रहेंगे। दिन में तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा, जिसके बाद जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आएगी तो वहीं भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। 15 जून को अधिकतम तापमान 44 डिग्री से गिरकर 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिसके बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बादल गरजने की भी गतिविधियां होंगी और 15 जून के बाद 18 जून तक मौसम में यह बदलाव जारी रहेगा। 16 जून यानी गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होगी, वहीं 17 और 18 जून को बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होगी। इस बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और तापमान 44 डिग्री से गिरकर 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि इस समय कई तटीय इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और रविवार को न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि 30 डिग्री से बढ़कर 33 डिग्री रिकॉर्ड की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।